झारखंड के पहले ट्राइबल क्रिकेटर की आईपीएल में हुई एंट्री। पिता है गार्ड, धोनी को मानता है आदर्श। झारखंड क्रिकेट के होनहार खिलाड़ी 20 वर्षीय रॉबिन मिंज अब आईपीएल में अपने शानदार खेल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान व चेन्नई सुपर किंग्स के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानने वाले रॉबिन का चयन मुंबई इंडियन में हुआ है। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में रॉबिन ने अपने इस चयन के बारे में बताया। रॉबिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग के लिए जुलाई के पहले हफ्ते में इंग्लैंड रवाना होने वाले हैं। खास बात यह है कि रॉबिन ने अभी तक रणजी नहीं खेला है। उन्होंने अंडर 19 और अंडर 25 में झारखंड टीम का प्रतिनिधित्व किया है। उनके प्रदर्शन से मुंबई इंडियंस प्रभावित हुई और उन्हें आईपीएल ट्रेनिंग के लिए चयनित किया। एमएस धोनी को मानते हैं आदर्श। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए रॉबिन ने बताया कि उनकी सफलता से उनका परिवार बेहद खुश है। जब मुंबई इंडियंस की ओर से फोन कर ये बताया गया कि उनका चयन हो गया है तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनका कहना है कि उनके माता पिता और बहनों को उनके टैलेंट पर हमेशा से भरोसा रहा है। रॉबिन ने कहा कि कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को वो हमेशा से अपना आदर्श मानते आ रहे हैं। विकेट के पीछे कैसे चुस्ती और फुर्ती के साथ मूव करना है और बल्लेबाजी के दौरान किस तरह तेजी से रिफ्लेक्शन दिखाना है, ये सब टिप्स उन्हें माही भैया ने ही दिए हैं। रॉबिन ने मात्र 10वीं तक की पढ़ाई की है, उन्हें अंग्रेजी नहीं आती लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र नहीं। उनका कहना है कि इंग्लैंड में प्रशिक्षण के दौरान उन्हें परेशानी नहीं आएगी क्योंकि क्रिकेट की अपनी एक भाषा होती है। रॉबिन के पिता सेना से रिटायर हैं, अब वो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर गार्ड की नौकरी करते हैं। रॉबिन ने 2020 में 10वीं की परीक्षा पास की थी, अब उन्होंने अपने करियर के रूप में क्रिकेट को चुना है और इसके लिए उन्होंने पढ़ाई से ब्रेक लिया है। रॉबिन की दो बहनों में एक उससे बड़ी और दूसरी उससे छोटी है। रॉबिन के अनुसार उन्होंने 8 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वो बाएं हाथ के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। उन्होंने रांची में सोनेट क्रिकेट क्लब में चंचल भट्टाचार्य, एसपी गौतम व आसिफ हक की देखरेख में अपने खेल को निखारा है। रॉबिन ने बताया कि पिछले साल उन्हें लखनऊ सुपर जाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स ने ट्रायल के लिए बुलाया था। इनमें से उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के लिए ट्रायल दिया था लेकिन उनका चयन नहीं हो सका। वो इससे काफी निराश हुए थे लेकिन उनके कोच ने उन्हें समझाया कि ये समय सीखने का है और अधिक मेहनत करने का है, हताश होने का नहीं। उन्होंने एक बार फिर से तैयारी शुरू की और उसका नतीजा आज सबके सामने है। रॉबिन को उनके पिता का बहुत सपोर्ट मिला। बचपन से ही उनके क्रिकेट के जुनून को देखते आ रहे उनके पिता ने ही कहा कि तुम्हें क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन लेना चाहिए, तुम अच्छा क्रिकेट खेलते हो। रॉबिन ने भी पापा की बात मान एडमिशन ले लिया और उसके बाद फिर क्रिकेट का सफर शुरू हो गया। रॉबिन ने बताया कि उनके पिता रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं। माँ पिता के साथ दो बहनों का भी हमेशा सपोर्ट रहा। उन्होंने बताया कि जब पिता आर्मी में काम करते थे तो उनकी माँ उन्हें अकेडमी में ले जाया करती थी।